दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और इस वीडियो में बातचीत करेंगे दोस्तों एफईपी ट्रेड कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में, एफईपी ट्रेड कंपनी की इनकम के बारे में, एफईपी ट्रेड कंपनी में कितने लेवल की इनकम मिलती है, किस तरह से मिलती है, क्या क्या कंडीशंस हैं, और इस कंपनी का जो पहला ही लेवल है आईबी, बहुत ही जरूरी लेवल है दोस्तों, क्योंकि आईबी लेवल के ऊपर आपको एक बहुत ही अच्छी इनकम यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो आईबी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या किस तरह की कंडीशंस हैं और किस तरह से आप आईबी बन सकते हैं, तो एफईपी ट्रेड कंपनी के टोटल बिजनेस प्लान के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप भी एफईपी ट्रेड कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में रेफर लिंक अवेलेबल है, स्क्रीन के ऊपर नंबर अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में रेफर लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। 500 USDT से यहाँ पर पैकेजेस स्टार्ट हैं, आप 500 USDT ऐड कीजिए और आप यहाँ पर स्टार्ट अपना करियर स्टार्ट कीजिए। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, कंपनी का प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, प्रोफाइल के ऊपर मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। इस वीडियो में हम इनकम प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम एफईपी ट्रेड कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, एफईपी ट्रेड कंपनी की इनकम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो इनकम है दोस्तों उसको पैम रिटर्न यहाँ पर बोला जाता है, और पैम रिटर्न में आपको यहाँ पर महीने का लगभग 6 से 10% मिलता है कंपनी बोलती है, और यहाँ पर आपको लगभग 10% के आसपास हर महीने यहाँ पर कंपनी रिटर्न ज़रूर देती है। तो यहाँ पर ही आप देख रहे हैं लो मीडियम और हाई, इनमें से आपको एक को चुनना होता है। लो अगर आप चुनते हैं तो महीने के 2 से 4% मिलते हैं, मीडियम अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको महीने का 4 से 6% रिटर्न मिलता है, और हाई अगर आप चूज करते हैं तो 6 से 10% का रिटर्न आपको मिलता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर बताया हुआ कि अगर आपने $10,000 की आईडी लगाई तो आरओआई के तौर पर आपको हर महीने $1,000 पर मंथ आपको मिलेगा। एफईपी ट्रेड कंपनी में जो कमीशन है वो डेली शो होता है, लेकिन सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है, और महीने के एंड में जब अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका लगभग हाई अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपको लगभग महीने का 10% का रिटर्न यहाँ पर मिलता है। तो ये है एफईपी ट्रेड कंपनी की पहली इनकम, पैम रिटर्न जिसको बोलते हैं। इनकम का जो नाम है जैसे पैम रिटर्न, इस तरह से मैं आपको बताता जाऊँगा, ये पहली इनकम है। उसके बाद है साइक्लिक बोनस, जितनी भी पूंजी से आपने इसको स्टार्ट किया है, जैसे $500 हैं, $1,000 हैं, जितने भी हैं, तो आपको महीने का 10% यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही 3 महीने कंप्लीट होते हैं तो आपके ये जो इनकम है इसमें 1% का इजाफा हो जाता है और आपको 11% मिलता है। उससे अगले 3 महीने में फिर से 1% ये बढ़ के 12% मिलने लग जाता है, और उससे अगले 3 महीने में फिर से ये इसमें 2% ज़्यादा मिलता है। तो 14% का जो है मैक्सिमम रिटर्न यहाँ पर एफईपी ट्रेड कंपनी से आपको मिलने लग जाता है 9 महीने के बाद। तो इसको बोलते हैं साइक्लिकल बोनस, जिसमें आपका 4% 9 महीने के बाद आपका 10% की जगह 14% रिटर्न पर मंथ आपको मिलेगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी इनकम है। उसके बाद है दोस्तों रेफरल बोनस। रेफरल बोनस में ये एक बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। रेफरल बोनस एक बहुत बड़ी इनकम है। रेफरल बोनस में आप अपने डायरेक्ट में जितनी भी आईडीज लगाते हैं, जब आप आईडी लगाते हैं तो आप सिर्फ मेंबर होते हैं, आपके पास कोई भी रैंक नहीं है, तो जो भी आप आईडी लगाएंगे उसकी जो पैम रिटर्न है, मंथली जो पैम रिटर्न उसको मिलेगा, उसका आपको 50% मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर $1,000 की यहाँ पर आईडी है, तो आरओआई इसको $10,000, एक मिनट दोबारा इसको देखते हैं, दोबारा देखते हैं दोस्तों, आपके पास कोई भी रैंक नहीं है और आपके डाउन में $10,000 की आईडी लगी, $10,000, तो इसका जो है 10% कितना हो गया, $1,000। तो $1,000 का 50% $500 पर मंथ आपको मिलेगा, आपके डायरेक्ट में जो भी आईडी लगेगी उसकी इनकम का, पैम रिटर्न की इनकम का 50%। तो ये एक बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों। अगर आपके पास रैंक है, जैसे अभी आपने ज्वाइन किया था उसके बाद आपके पास रैंक आ गया आईबी, एसआईबी, डीआईबी और एमआईबी, 4 रैंक है। अगर मान लिया आपके पास कोई भी रैंक है, जैसे आईबी रैंक ही हम देख लेते हैं कि आपके पास आईबी रैंक है, तो आपके डायरेक्ट में जैसे आईडी लगी $10,000 की, तो उसका आरओआई आपको 10% $1,000 मिलेगा। तो आपको भी जितना उसको आरओआई मिल रहा है पर मंथ उतना ही आपको मिलेगा, मतलब 100% उसके पैम रिटर्न का 100% आपको भी मिलेगा। ये इसकी खासियत है, इस प्लान की सबसे अच्छी इनकम है। लेकिन कुछ लोग, कुछ लीडर्स मानते हैं कि ये इस प्लान की सबसे बड़ी इनकम है, लेकिन इससे भी बड़ी इनकम है दोस्तों, इससे भी बड़ी इनकम है।
अब अगर आपने ज्वाइन किया और आपके पास कोई भी रैंक नहीं है तो आपको सिर्फ दो ही लेवल की इनकम मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास कोई रैंक आ जाती है तो आपको 5-6 लेवल और अनलिमिटेड लेवल की इनकम भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। कैसे मिलती है आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको दो रैंक ऊपर बताया कि आपने ज्वाइन किया, आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट $1,000 है, आपके डायरेक्ट में 3 ID लगी, उनकी भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट $1,000 है और आपके पास कोई रैंक नहीं है, देखिए आप सिर्फ मेंबर हैं, तो आपको पैम रिटर्न मिलेगा 10% यहाँ से $100 per month, और 9 महीने अगर आपको हो चुके हैं तो 4% एक्स्ट्रा मिलेगा $40, और आपके रेफर में जो लीडर्स हैं उनके पैम रिटर्न का 50%, मतलब ये जो $1,000 वाले हैं इनको मिलेगा $100 per month, तो $100 का 50% $50, और आपके पास इस तरह से डायरेक्ट में 3 ID हैं तो 50 50 50 $150 per month ये आपको मिलेगा। एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से ये यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आपके पास रैंक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास रैंक आ जाती है, जैसे कोई भी रैंक हुई, IB रैंक हुई, उस सेम एग्जाम्पल में आपकी कितनी इनकम होगी, $1,000 है, आपका ROI 10% और साइक्लिक बोनस जैसे कि मैंने बताया था 9 महीने बाद यहाँ पर आपको जो है 4% एक्स्ट्रा मिलने लग जाता है वो, और आपके डायरेक्ट में जितने भी IDs हैं उनके जो पैम रिटर्न है 100% आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर $1,000 के ID हैं तो इनका 10% ROI के हिसाब से $100, मतलब $300 हुआ तीनों का मिला के, 100 100 100, तो वो $300 का $300 एज इट इज आपको भी मिलेगा। इस तरह से अगर आपके पास रैंक है तो आपको आपकी इन जो डायरेक्ट IDs हैं उनकी इनकम का, पैम रिटर्न की इनकम का 100%, मतलब जो ROI उनको मिल रही है वही ROI सेम आपको भी मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर फोरेक्स में कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है और उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है। पैम रिटर्न बेस्ड ऑन $1,000 के अगर आपकी आईडी है तो मेंबर्स को 50% रिटर्न मिल जाता है और रेफरल इनकम में बाकी जगह का जो 50% है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद है दोस्तों दो तरह के इनकम, मैनेजमेंट बोनस और कमीशन रिबेट। अगर आपके पास कोई भी रैंक नहीं है तो ये इनकम आपको नहीं मिलती, लेकिन अगर आपके पास रैंक है तो ये इनकम आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। कैसे मिलती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेंबर, अगर आपके पास रैंक नहीं है तो ये इनकम आपको नहीं मिलती, लेकिन अगर आपके पास IB रैंक है। मैनेजमेंट बोनस क्या है, जितना भी आपकी टीम में टोटल बिजनेस हुआ है और उनका जो पैम रिटर्न है उस पैम रिटर्न का 5% आपको मिलता है। ये कैसे मिलता है एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको आगे बताऊंगा। SIB में आपके जो ROI आपको मिलते हैं टीम की, जो कंप्लीट पूरी टीम की जो ROI है उसका 10% आपको मिलता है, DIB में 15% और MIB में 20%। अब कमीशन रिबेट क्या है, कमीशन रिबेट में ये ऐसे इस तरह इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे लीडर्स इसमें मिस्टेक कर रहे हैं कि जैसे कंपनी आपकी टीम का टोटल जो बिजनेस है उसको कंपनी 1,000 को 1 लॉट बोलती है। अगर आपका टोटल बिजनेस ही मान लिया $70,000 का है तो आपका $70,000 का आपकी पूरी टोटल टीम का बिजनेस है, $1,000 को ये 1 लॉट बोलते हैं, तो यहाँ पर आपके कितने हुए, 70 लॉट हो गए दोस्तों। 70 लॉट आपका यहाँ पर काउंट किया जाएगा, और 70 लॉट को आप 3 से गुना कर लीजिए तो ये कितना हो गया, 210 लॉट, और 210 लॉट अगर आप IB हैं तो पर लोट $5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आप SIB हैं तो पर लोट 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आप DIB हैं तो पर लोट 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आप MIB हैं तो पर लोट 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और यह एक बहुत बड़ी इनकम है, अनलिमिटेड लेवल की इनकम है, आपके डाउन में किसी भी लेवल का बिजनेस हो आपको ये इनकम ज़रूर मिलेगी। तो ये इनकम है दोस्तों, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है, पैम रिटर्न्स हैं महीने का 10%, ये एक एग्जांपल लिया गया है कि आपकी टीम का टोटल बिजनेस $60,000 का है, उसको आपका डायरेक्ट में जैसे IB का $3,000 है, $10,000 आपके डायरेक्ट में है, उसके नीचे 50,000 है ग्रुप इन्वेस्टमेंट, तो इस तरह से $60,000 है, तो आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट $3,000 है, ये आप देखिए तो ROI 10% के हिसाब से 300। साइक्लिक बोनस मैंने आपको बताया था कि 9 महीने बाद 4% बढ़ जाता है, 10 की जगह 14 मिलता है, तो ये $120 ये हो गया। उसके बाद रेफरल बोनस मैंने आपको बताया था 100% और 50%, मतलब आपके डायरेक्ट में अगर आपके पास रैंक है तो डायरेक्ट में जितनी भी IDs लगेंगी उनकी ROI जो 100% उनको मिल रही है वही आपको मिलेगी, और उसके डाउन में सेकंड लेवल पे जितने भी लीडर्स की इनकम है पैम रिटर्न की ROI की वो
उसका 50% आपको मिलेगा। उसके बाद है टीम बोनस। टीम बोनस यहाँ पर आपका जो टोटल टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर का जो 10% रिटर्न है उसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3% आपको मिलता है। तो ये $180, ये हो गया $60,000 के अगर आपका टोटल ग्रुप का बिजनेस है उसके ऊपर ये एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद है मैनेजमेंट बोनस। दोस्तों मैनेजमेंट बोनस में $60,000 का अगर आपका बिजनेस है तो उनकी ROI, ये देखिए उनकी ROI 10% ROI का यहाँ पर 5% आपको मिलेगा। और कमीशन रिबेट जैसे मैंने आपको बताया था 1,000 को एक लोट वो बोलते हैं, तो $60,000 का बिजनेस है तो ये 60 लोट हो गए, इसको 3 से गुना करके और 5 से गुना कर देंगे क्योंकि IB रैंक का ये एग्जाम्पल है और IB रैंक पे हमें पर लोट कितना मिलता है $5, तो इस तरह से $900 और ये एक IB रैंक की यहाँ पर लगभग $5,500 की मिनिमम इनकम IB रैंक की यहाँ पर है। अब DIB SIB MIB बनेंगे कैसे? अगर आप एक मेंबर हैं, पहले कंपनी में $1,000 की ID थी लेकिन अभी 500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में रेफर लिंक अवेलेबल है, रेफर लिंक के ऊपर क्लिक करें और स्टार्ट करें, तो आपको ये कोई भी इनकम अभी, मतलब ये इनकम कह रहा हूँ, ये क्राइटेरिया आपके लिए नहीं है। लेकिन उसके बाद आप IB कैसे बनेंगे? आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट $3,000 होनी चाहिए, आपके डायरेक्ट में मिनिमम 5 डायरेक्ट होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, और डायरेक्ट का टोटल बिजनेस $10,000 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। उसके बाद आपके ग्रुप का जो बिजनेस है वो $50,000 होना चाहिए, लेकिन आपके जो सबसे बड़ी लैग होगी, सबसे बड़ा बिजनेस जिस भी टीम में होगा उसको काउंट नहीं करना है, उसको छोड़ के बाकी जो टीम है उसका बिजनेस $50,000 होना चाहिए मिला के। इस तरह से आपको IB रैंक मिलेगी। SIB रैंक में आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट 5,000 होना चाहिए, आपके ग्रुप में मिनिमम 8 डायरेक्ट होने चाहिए और 3 IB आपके ग्रुप में होने चाहिए। डायरेक्ट का बिजनेस $20,000 का होना चाहिए और टोटल टीम का बिजनेस $3,00,000 का होना चाहिए, और वो भी एक बड़ी लेग को छोड़ के। DIB के लिए ये आप देख सकते हैं $10,000 का डायरेक्ट बिजनेस, आपके में मिनिमम 10 डायरेक्ट और 3 SIB आपके ग्रुप में होने चाहिए। आपके जो डायरेक्ट में है उनका $50,000 का बिजनेस चाहिए और आपकी टीम का जो है $20,00,000 का बिजनेस यहाँ पर चाहिए होता है DIB के लिए। MIB के लिए ये आप देख सकते हैं $30,000 की पर्सनल इन्वेस्टमेंट, आपके डायरेक्ट में 15 IDs होनी चाहिए, 3 DIB आपके पास होने चाहिए, आपके डायरेक्ट का $2,00,000 का बिजनेस होना चाहिए और आपके टीम का टोटल बिजनेस $80,00,000 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे जो रैंक हैं उनकी कंडीशंस हैं, बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप बैक करके थोड़ा सा दोबारा आप ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है IB रैंक के लिए और जितने भी हमारी रैंक हैं सभी के लिए। अब आपकी जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? मान लिया आपने यहाँ पर $100 की इनकम अर्न की, तो उसमें से $70 आपके कमीशन वॉलेट में चले जाएंगे, $20 एक्टिवेशन वॉलेट में और $10 यहाँ पर कंपनी का जो IPO आएगा उसके लिए उसमें चले जाएंगे, मतलब 70%, 20% और 10%। अब आप जो विड्रॉ ले सकते हैं वो सिर्फ कमीशन वॉलेट में से ले सकते हैं, मतलब आप जो यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं वो 70% पैसा ही निकाल सकते हैं, 20% जो आपका पैसा है वो आप किसी को भेज के उसकी ID ही लगा सकते हैं, उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और 10% जो ये है उसके आप शेयर परचेज कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, और हर हफ्ते इसका विड्रॉल होता है और ओनली मंडे को आपका विड्रॉ आएगा, ओनली ऑन मंडे, सिर्फ सोमवार को। आप कभी भी विड्रॉ लगाते हैं, आप मंगलवार को लगाते हैं, शुक्रवार को लगाते हैं, शनिवार को लगाते हैं, लेकिन वो आपको मिलेगा मंडे को ही, ये आप ध्यान रखें। अगर आप इस कंपनी में आपने पैसा लगाया है और आपको कुछ इमरजेंसी हो गई, आपके घर में शादी आ गई, आपको बच्चों की फीस देनी है, या फिर कुछ भी इमरजेंसी आपको आ गई कि आपको पैसा वापस चाहिए, तो आप यहां से विड्रॉ कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं अपने आईडी को। अगर आप 90 दिन के अंदर करते हैं टर्मिनेट, तो आपका 10% जो भी आपका कैपिटल है उसका 10% कटेगा, और अगर 90 दिन से ज़्यादा आपकी आईडी हो गई है तो आपका 100% पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा, किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन फीस या प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी।
तो ये एक बहुत बड़ी इसमें मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगता है इस कंपनी में कि आप अपने पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी आपके पैसे को फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगाती है। MT4 अकाउंट ये आप देख रहे हैं, MT4 अकाउंट के हिसाब से जो भी रिटर्न यहाँ पर मिलता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और यहाँ पर जितना कंपनी कहाँ से किस तरह से कमाती है वो कंप्लीट यहाँ पर एक ये डाटा दिया गया है। अब कंपनी अगर $1,000 की इन्वेस्टमेंट करती है तो पैम रिटर्न हो गया $100, रेफरल बोनस हो गया $100, साइक्लिक बोनस $40, टीम बोनस $20, मैनेजमेंट बोनस $20, कमीशन रिबेट $45, एडिशनल पे आउट $135, ये हो गया है पैम रिटर्न। और जितने भी ये मैंने आपको बोनसेस बताए हैं तो वो सब कुछ कंपनी यहाँ से निकाल लेती है। और उसके बाद कंपनी जो मैंने बताया ना पर लोट, ये देखिए आप ये जो नो लिखा हुआ है ये नो पर लोट जो एक कमीशन रिबेट में मैंने आपको बताया था $1,000 को एक लोट बोलती है कंपनी, तो उस लोट से 9 बार ट्रेडिंग करती है महीने में और वहाँ से भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है। तो इस तरह से कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है और आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर है। कंपनी में जो प्रोफाइल जब मैं बताऊंगा आपको कंपनी की, तो कंपनी में आपका जो कैपिटल प्रोटेक्शन जो यहाँ पर पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है, इसका पॉइंट यह है कि आपके जो पूंजी हो बिल्कुल सेफ है। हाई रिस्क में भी आपको आपकी पूंजी जो है 90% सेफ है। 10% जो आपकी पूंजी उसी का कंपनी रिस्क लेती है, उसी को मार्केट में कंपनी जो है इस तरह से ट्रेडिंग के लिए लगाती है कि वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी अर्न कर सके। 90% जो आपका पैसा वो सेफ है। कंपनी के पास एक सॉफ्टवेयर है रिस्क कंट्रोल सॉफ्टवेयर, टाइटन रिस्क में ये आ गया। इमोशनल फ्री ट्रेडिंग है, मतलब आदमी यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम्स को देख कर यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है। और कंसिस्टेंट पैम रिटर्न जो मैंने आपको बताया, ROI जो बताया कंसिस्टेंट यहाँ पर आपको मिलते हैं। और ग्लोबली रेगुलेटेड ब्रोकर हैं। ये सब कुछ प्रोफाइल का हिस्सा है दोस्तों। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा और वहाँ पर आपको कंप्लीट इसकी जानकारी दूंगा। ये जानकारी थी आपको इसके इनकम प्लान के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये इनकम प्लान आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप अपने सीनियर से पता कर सकते हैं। और FEP कंपनी को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है कंपनी का और कंपनी लंबे समय तक मार्केट में टिकने वाली है। और ऐसा अभी तक हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिला है कि मैं आपको बता सकूं कि भई ये कंपनी का लूज पॉइंट है या फिर इस तरह से, मुझे नहीं लगता है। तो मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, पर्सनली मैं ये कंपनी जो है मुझे इस कंपनी का बिजनेस प्लान और प्रोफाइल बहुत पसंद आया। तो आप भी अपने लेवल पर ज़रूर स्टडी करें। मैं एक आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। कंपनी की वेबसाइट चेक करें, कंपनी का बिजनेस प्लान दोबारा से देखें, कंपनी में आपको कितना आपको पैसा कमाना है उस हिसाब से आप बिल्कुल सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। और आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में रेफर लिंक अवेलेबल है। रेफर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, स्टार्ट कीजिए। स्क्रीन के ऊपर नंबर अवेलेबल है और थोड़ा सा अपने लेवल पर कंपनी के बारे में ज़रूर स्टडी करें। तो दोस्तों, और डिस्क्लेमर भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्लेमर को भी ज़रूर पढ़ें दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और FEP ट्रेड कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और बहुत ही जल्दी मैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के और भी बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन है उन सभी के बारे में मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते इंडिया।